दिल्ली में पहुंचला अनुगुल सुस्वादु आंब आम्रपाली एवं मल्लिका केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को यह आंब प्रदान कर सफल प्रोडक्ट कंपानी अधिकारी प्रदीप साहू और चाषी अजित कुमार गणनायक आंब पाइबा परे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ट्वीट कर अनुगुल बागडिया खमार गांव में जैविक पद्धति में चाष कर आम्रपाली मल्लिका आंब पर आनंदित सफल प्रोडक्ट लाइवलीहुड अल्टरनेटिव और माया बायणी एग्रोफेड एफयू प्योर मिलित बगिचार आंब दिल्लीवासी पहुंचा संभव हो पारी पदक्षेप जो ग्रामीण उत्पादक और सहरांचल में रोकता ग्राहकों भितर व्यवधान ह्रास पाई ओडिशार यह सुस्वादु आंब दिल्ली में आंब प्रेमी उपभोग करे यह उद्यम प्रधानमंत्री दूरदृष्टि संपन्न आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान परिकल्पना को साकार कर आंबर अनन्य स्वाद राजधानीवासी आकृष्ट कर आकाश्र बर्षुची निया जलुची पश्चिम दिन साढ़े दुईटा सुधा संबलपुर 44.4 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड झारसुगुड़ा 44.4 हीराकुद 44.2 डिग्री केन्दुझर 39 डिग्री चांदवाली 36.8 बालेश्वर 34 गोपालपुर 33.8 पुरी 33.6 पारादीप 33.4 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड तेज गत कालीठ कमी राजधानी भुवनेश्वर तापमात्रा गतकाली साढ़े दुईटे तापमात्रा राजधानी थिला 44 डिग्री आज ताहा 40 डिग्री रे पहुंची गतकाली राजधानी भुवनेश्वर 2:30 सुधा 33% आर्द्रता रेकर्ड आज से समय गतकाली तुलन में 18% अधिक अर्थात 51% रेकर्ड गुळुगुळीर मात्रा सामान्य अधिक रही चौबीस घंटे में उड़ीसा के ऊपर आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का सबसे अधिक वर्षा ढेंकनाल में 70 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर बात करें तो सोनपुर में 45.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया है और लगभग मैनी प्लेसेस उड़ीसा में जो है हीटवेव टू सीवियर हीटवेव रिपोर्ट हुई है और मतलब जो भुवनेश्वर तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, कटक का 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर कोई सिग्नल वेदर सिस्टम नहीं है। अगले पांच दिन में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग बनी रहेगी और हीटवेव की जो वार्निंग वो भी 3 दिन के लिए है। रेनफॉल की बात करें तो आज जो डिस्ट्रीब्यूशन है केवंझर मयूरभंज बालासोर कंधमाल गंजम गजपती रायगढ़ कोरापुट मलकानगिरी और नवरंगपुर में स्कैटर डिस्ट्रीब्यूशन होने की संभावना है और बाकी जगह उड़ीसा में 1-2 स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। डे वन में 19 तारीख को मयूरभंज बालासोर केवंझर कोरापुट मलकानगिरी में गस्टी सर्वर विंड स्पीड जो कि 40 से 50 km/h रह सकती है उसके लिए येलो वार्निंग दी गई है और बाकी जगह पर जो आप देख रहे हैं येलो पोर्शन वहां थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग 1-2 स्थान पर होने की संभावना है, इसलिए येलो वार्निंग दी गई है क्योंकि तापमान बढ़ रहे हैं। तो आज भी जो है जो उड़ीसा में जो तापमान के लिए स्कैटर प्लेसेस पे सीवियर हीट वेव होने की संभावना है जिसके लिए जो सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बारगढ़ संबलपुर सोनपुर बुलांगीर देवगढ़ केवंझर अनुगुल ढेंकना बोध कंधमाल नयागढ़ खुर्दा कटक ढेंकना इन डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज वार्निंग दी गई है और बाकी आइसोलेटेड प्लेस पे हीट वेव होने के लिए येलो वार्निंग दी गई है। उनमें डिस्ट्रिक्ट शामिल है मयूरभंज जाजपुर कालाहांडी और नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट। 19 तारीख को कल को भी हीट वेव होने की संभावना है कुछ जगह जिसमें अगर बात करें स्कैटर डिस्ट्रीब्यूशन और ऑरेंज वार्निंग दी गई सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा देवगढ़ संबलपुर बारगढ़ सोनपुर अनुगुल बोध कंधमाल और बोलांगीर में, बाकी येलो वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड प्लेस पे हीट वेव होने की संभावना के लिए जिसमें मयूरभंज केवंझर ढेंकनाल कटक खुर्दा नयागढ़ कालाहांडी और नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट शामिल। बालेश्वर बाहनगा ट्रेन दुर्घटना घटना रे मृत्यु संख्या 292 को वृद्धि पाइला चिकित्साधीन अवस्था रे एसीबी रे आउ जनक मृत्यु होई मृतक पश्चिम बंगर 26 वर्षीय पालटू नस्कार कटक एसीबी रे से आईसीयू रे चिकित्सित होतिले श्रमिक भावे कार्य करूथिबा पालटू करमंडल एक्सप्रेस रे जाउथिबा बेले दुर्घटनार शिकार होतिले तांकु कटक एसीबी रे भर्ती करा जायथिला। जून 2 तारीख रे होतिबा ए भयंकर रेल दुर्घटना रे घटनास्थल रे 288 जनक मृत्यु होतिला आ परवर्ती समय रे एसीबी रे अवस्था 4 जन मृत्यु है। बलांगीर पुलिस बाबू चोरा पिरती घटन कांस्टेबल मंजित सिंह माझी चाकरी निलंबित 16 तारीख रात में प्रेमिका घर धरा पड़े मंजित पुलिस सहायत हतीसाल पड़ारे स्वामी को धरी मंजित स्त्री ए घटना जमापड़ मंजित विरोध में श्रृंखलागत कार्यानुषान ने बलांगीर एसपी